Ja. भाई जी बना क्या ठीक स्वास्थ्य पानी है नहीं पड़ो सी तुम्हारे अग्नि ये हैं आज हमें जो गाइड कर रहे हैं रास्ते में, और आज का जो टूर है हम जा रहे हैं पांगरी, और हमारे साथ आज पांगरी में जाने वाले हैं आचार्य कामेश जगुड़ी, जो कि हिमाचल के माने जाने प्रचंड विद्वान आदमी हैं। आजकल ये अपनी विद्वता खालसी और गढ़वाल गार्ड में चमका रहे हैं, और कल भी ये वहाँ से चमका के आए। आज इनका थोड़ा बिजी शेड्यूल में से एक दिन हमने निकाला, हम इन्हें आज पांगरी की ओर ले जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये बिजली के नए खंभे लगे हुए हैं, लगता है हमारी पूरी छानियों में जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये उस टाइम तो पहुंची नहीं जिस टाइम बहुत ज़रूरत थी, लेकिन चलो देर सही, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे साथ अनुभवी बल्लेबाज आगे रास्ते लग चुके हैं। तो दोस्तों ये चढ़ाई देख रहे हैं आप, इतनी खतरनाक चढ़ाई है अभी, और हम काकड़ी वडार पहुंचने वाले हैं। उसके बाद उसको क्रॉस करके थोड़ा रास्ता सीधा आएगा, तब राहत मिलेगी, नहीं तो अभी जो है बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। और साथ ही आप देख रहे हैं इस देवी माता का नाम क्या बोलते हैं, राजराजेश्वरी देवी, लोगों की छानियां समेत। और आजकल जो है धुंध काफी मात्रा में पड़ी हुई है, और ये जो देख रहे हैं आप ये सुरकंडा देवी टेंपल है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल धुंध की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। और ये ब्रह्मनाथ देवता का टेंपल जो हमारे इष्ट देवता हैं, शायद वीडियो में इनका कई बार जिक्र हो चुका है, क्योंकि हम अपने इष्ट देवता को हमेशा ही याद करते रहते हैं। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं काकड़ी वडार में, इसके ऊपर से सीधा ही रास्ता तय करना पड़ेगा हमें। भाई साहब क्या देखना, चलो वही चल 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 शाबाश। ये पहुंच चुके हम सीधे रास्ते में, सिर भाई साहब जो हैं आगे विचरण कर चुके हैं। और ये बांज के वृक्षों के बीच होता हुआ रास्ता, कामेश जगुड़ी जी कुछ बताइए इसके बारे में, ये क्या चीज है, कमेड़ा माटा है क्या ये? कमेड़ा माटा है। अच्छा, इसका यूज किस चीज के लिए होता है? ये आप इससे चूल्हा भी बना सकते हैं। अच्छा, और दूसरा आप इसको लिपाई पुताई, अच्छा अच्छा, इस बारे में ये काम आता है। अच्छा, और ज्यादातर लेडीज इनको खाने की शौकीन रखती है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? लेडी जो है इन पत्थरों को उठा के, अच्छा, और चबाने का काम करती है। अच्छा, और यहाँ पे टैंक बनता हुआ, टैंक बना हुआ है पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अच्छा, और ये महाराज राजेश्वरी जी का मंदिर दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। आजा आजा तेरे आगे चल। ये हमारे राजेश जगुड़ी जी शेरू के साथ बातचीत करते हुए, और कांटे बहुत चुभ जाते हैं पैरों में। चलिए भाई साहब आगे चलिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बांझ मोरो, खासकर ये बांझ है, और ये बांझ जो है बहुत ही फेवरेट
डिश है पशुओं की यहाँ पर, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, तो बड़े चाव से खाते हैं और इससे जो है काफी मात्रा में दूध उत्पादन होता है। चलिए आपको आगे दर्शन कराते हैं हम पांगरी घाट देवता के, जिनको पतीले भेंट किए जाते हैं, पत्ते भेंट किए जाते हैं इनको, ये उसी में ही खुश हो जाते हैं, इतने महान देवता हैं ये हमारे। यहाँ से हम लेंगे कुछ पत्ते, ठीक है, और अभी हम यहाँ पे पांगरी खाव के देवता को चढ़ाने वाले हैं ये पत्ते। ये भटकनाथ है यहाँ पे, भटकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है भटकनाथ। किसी ने देखो यहाँ पे बीड़ी भी चढ़ाई हुई है और ये टॉफी भी चढ़ाई हुई है किसी ने, देखिए इतना प्रेम देवताओं से केवल हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ही किया जा सकता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको आज पांगरी में, यहीं से पांगरी स्टार्ट होता है, ऐसी होता है ना, ज्यादा जानकारी लग जाएगी। हाँ, यहीं से पांगरी स्टार्ट होता है। लोगों के बगीचे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से चौंडियाण भी दिखाई दे रहा है, साथ ही आप नीचे धमिया देख सकते हैं इधर आके, और सामने जो है आप जो है सेम नागराज भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, सामने ही इधर से ही रास्ता जाता है। तो हम जनरली जब भी जाते हैं सेम मुखेम तो इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं, ये रास्ता बहुत ही रोमांटिक है, काफ़ी बढ़िया रास्ता है, क्योंकि कहीं पे सीधा है कहीं पे चढ़ाई है, एकदम से सारी जगह चढ़ाई नहीं है, इसकी वजह से जो ये रास्ता काफ़ी अच्छा माना जाता है और यही रास्ता उपयोग किया जाता है मोस्टली, लोग यहीं से सेम नागराज के दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा के लिए जाते हैं और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती अगर आप सच्चे हृदय और सच्चे मन से जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, सच्ची लगन हो मन में तो थकावट नहीं होती। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये व्यू है, माना जाता है ये सबसे ही ऊंची चोटी है, यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये आगे जो देख रहे हैं आप खिमकीत, ये यहाँ पे दादी बूढ़ी भगवती जी का मंदिर है। जी हाँ, इसके ऊपर कुछ ही समय पहले हमारे चाचा जी भूपति प्रसाद जगुड़ी जी ने ऊपर अखंड रामायण का बहुत ही भव्य आयोजन किया था, जिसमें सारे गाँव वालों ने भी मिल के पार्टिसिपेट किया था, और उस टाइम बदकिस्मती से हम जो हैं लॉकडाउन में फंसे हुए थे केरला में, आ नहीं पाए, वरना ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए तो आपको आगे ले जाते हैं, अपने गोटे को भी जूम करा दीजिए, तुम्हारे गोट नहीं दिखाना है अपने डालोगे 20% अच्छी कर लोते जूम। चलिए हम आगे चलते हैं, वाह क्या बात है, ये देख के तो मेरी आंखें चौंधी आई गई। रियली मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे जो पांगरी में ही लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से बगीचे को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, वाह बहुत ही बढ़िया कार्य, बहुत ही सराहनीय कार्य। ऐसे ही अगर सभी लोग यहाँ के इस तरह से मेहनत करी जाए दोबारा से बागीचों को, खेतों को, खलिहानों को और मकानों को दोबारा से देख रेख की जाए और दोबारा से जो इस तरह से मेंटेन किया जाए तो क्या बात है, यहाँ घूमने के लिए तो बहुत ही प्यारा दृश्य, मैं तो देख के हैरान रह गया। बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ पर पूरा जो है बगीचा था और कुछ समय से पूरा बंजर पड़ा हुआ था बगीचा, देख रेख नहीं हो पाई, तो कामेश जी कुछ बताना चाहेंगे हमें कि क्या क्या कैसे कैसे कब से ही स्टार्ट हुआ और कैसे पहले हुआ करता था यहाँ पे, आप तो ज़्यादा ही जानकारी रखते हैं, आप यहाँ के मेन सदस्य हैं। ये इतने सारे सेब के पेड़ लगेंगे इधर हैं, बहुत बढ़िया यार, अरे यार यार देखिए कितने, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा, क्या शानदार मेहनत की जा रही है, वाकई काबिल तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम। अच्छा
छह महीने से इस कार्य की ओर अग्रसर हैं हमारे। अच्छा अच्छा भ्राता श्री। और ये काफी सालों से बंजर था, जो कि सेब के पेड़ थे, आड़ू अच्छा। था, खुमानी था, नाशपाती था, अच्छा कई प्रकार के फल लगते थे इधर। अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बगीचा है ये बिल्कुल नए तरीके से बिल्कुल नए तरीके से बन रहा है, तो देखते हैं हम किस तरह से ये बन रहा है और कितनी मेहनत की जा रही है इस पर, आपको दिखाते हैं। आइए, ये यहाँ पे गिर गए हमारे राजेश जगुड़ी जी। आराम से एक रड़ को भी। आइए आइए भाई साहब, आप भी आइए। कालूराम शास्त्री। यहाँ पर देखिए कितने गड्ढे किए जा रहे हैं। भाई प्रणाम, क्या ठीक स्वास्थ्य पानी है? मैं पड़ोसी तुम्हारे अग्नि पुनर्निर्माण की ओर लगा हुआ कार्य। और यहाँ पे एक गड्ढे देख सकते हैं आप, इनमें सेब के पेड़ नहीं लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार चलिए हर काम ये तो ना, धीरे धीरे जनियों का शुरुआत धीरे धीरे, अभी और भी ऐसा टाइम आएगा लोग ऐसे ही शुरुआत करेंगे। अरे मैं तो देख के दंग रह गया यार, मैं सोच रहा था कि ऐसे ही थोड़ा बहुत हो रहा होगा मेंटेन। इतनी बढ़िया से मेंटेन कर रहे हैं लोग अपने बगीचों को, दोबारा से पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वाकई यार काफ़ी अच्छा लगा। तो चल घरों बहुत गाड़ ली रोक लगी। कैमरे स्टार्ट हो। ये देखिए क्या शानदार तरीके से पेड़ जो है, ऐसा लग रहा है जैसे खोली बना रहे होंगे, जैसे खोली बनाई रहती है ना ऐसे ऐसे इधर उधर से। कभी पेड़ जो है कभी काफी घना था यार इधर, ये काफी घना जंगल था, बहुत अंधेरा डर लगता था दिन में भी जाने में अकेले था। जो आगे दिखाया था हमने, और ये मोरू का पेड़ है, इसको भी बड़े चाव से खाते हैं पत्तों यहाँ के, इससे थोड़ा ज्यादा कांटे होते हैं। जो पशु का स्वादिष्ट भोजन है। और इस रास्ते हम छोटे थे तब तो काफी डरते थे, यहाँ पे आना जाना हमारा दिन में भी बंद होता था इधर। और इतना सुंदर नजारा है। फाटो यू दियो लगे ना क्या क्या जंगल पड़िया लतोज भी कोई। ये लोग अभी लकड़ी लकड़ी देखने तुम खजन। हाँ यहाँ पर हमारी दादी जी भी मिल चुकी हैं।
मेदड़ी काम हेलो हाय, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पांगरी के एक शानदार कौटे में। यहाँ हम अक्सर चाय पिया करते थे जब से हमारी यात्रा संपन्न होती थी। और ये हमारे दोस्त का डोटा है जहाँ काफ़ी समय से कोई नहीं रह रहा है। कृष्ण और विकास हमारे दोस्त थे, दोनों वो यहाँ रहते थे और यहाँ का बगीचे हुआ करते थे जहाँ अक्सर आया करते थे। और इन सेब के बगीचों में जो है हमारा पूरा बचपन बीता हुआ है, काफ़ी यादें सजोए रखे हैं बगीचों में, काफ़ी सेब की चोरी भी करी हुई है। चोरी बहुत की है, और चोरी के सेब जो है वो अलग ही स्वादिष्ट होते थे, अलग ही मज़ा आता था उनके खाने में। और ये नीचे जो ये देख रहे हैं आप, इधर जो है ना हिसर बहुत होती थी, काली हिसर। काली हिसर और काली हिसर खाने का कुछ अलग ही महत्व था यार। जैसा बताते थे अगर यहाँ आते और वो काली हिसर नहीं खाते तो मज़ा नहीं आता था। तो काफ़ी यादगार पल गुजारे हमने इधर, बहुत शानदार। और हमारे अगर दोस्त कृष्ण और विकास इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना गोटा जरूर देखें। हम आपको बहुत याद कर रहे हैं आज, बहुत मिस कर रहे हैं, काफ़ी समय से इनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। और एक मकान इनका ढल चुका है यहाँ पे, इस विकास में ही लिखा हुआ है ये ओम, हल्का फुल्का जो दिखाई दे रहा है। इधर जो है त्रिपाल लगाया रहता था, त्रिपाल के ऊपर चाय पानी और सेब वेब जो है रखे रहते थे, खाते थे उन्हें आराम से। और इनके नीचे जो इनका कटीला है, काफ़ी सारे खेत हैं यहाँ, हल वल भी लगा रखा काफ़ी टाइम हमने। तेरू बेटा थक गया क्या? देखिए ये जो जगह है या जंगली जानवर काफ़ी पाए जाते हैं, और मुर्गा मुर्गा की जो है जगह और रास्ता ये है। और इस जगह पे हम काफ़ी फांसे लगाए करते थे, और हमारे साथ एक बहादुर रहते थे, गंगा बहादुर, जो काफ़ी अच्छा फांसा लगाता था और फंस भी जाते थे। जल्दी हम पहुंचने वाले हैं धोंतर में, तो आइए आपको दिखाते हैं। धोंतर की धार बोला जाता है इसको, धोंतर की धार। यहाँ से हर जगह का आप दृश्य देख सकते हैं और काफी सुंदर दृश्य है यहाँ से। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस, हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत शानदार जगह। देखो यहाँ पे कोई देवता है शायद, है ना? धोंतर में देवता तो नहीं, मैं डालू रखी हुई हो। चलो जो भी हैं, यहाँ से आप क्लियरली धमिया भी देख सकते हैं, और ये दिचली बनकोट इस साइड भेंगवाल गांव ये खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इधर जो है काला रोग और काम क्या करते हैं कि बुलाने अरे पता नहीं क्या करता है उन्होंने, रिमुख ले गया। एक दिन जो है काला रोग होते हुए किमकेत से नीचे गए थे, मुझ साइड वहाँ से पापावन में बड़ी एक लांग लाए थे, लांग नहीं बोलते, बड़ी लांग ले आए थे। मैं अरे गांठ लगे थे, मैं थी गांठा कई लियोन लियोन सीधी आप बताई थे, कांधी छल लगे भाई, एक हफ्ते तक कांधी पर जो है हल्दी मालिश हुई है कसम से, इन पीड़ा हुआ था। अभी हम साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये चौंडियान का तप्पड़ है। देखिए बहुत ही प्यारे गोटे को हैं लोगों के आसपास बगीचों के बीच होते हुए। यहाँ अक्सर आड़ू हो गए, चूली हो गए, सेब, नाशपाती, खुमानी, ये सारे जो है फल फ्रूट्स पाए जाते हैं। यहाँ से आप शॉर्टकट जो है ऊपर की तरफ जाओगे तो सीधा हरोड़ा पहुँच जाओगे। हरोड़ा, मैं एक दिन हरोड़ा से पीछे की तरफ से गया था,
इधर से नीचे आया तो मैं हैरान रह गया यार, मैं इधर कैसे पहुंचा। उस टाइम पता ही नहीं चल रहा था कि ये इधर से पीछे हरोड़ा। इस रास्ते का नाम भूलभुलैया रास्ता भी बोला जाता है, यहाँ काफी लोग भूल जाते हैं। और उसके ऊपर बड़ा ही शानदार दृश्य है, लेकिन दादी जी ने हमें मना कर दिया है अभी, नहीं तो हमारी इच्छा तो थी उधर जाने की। क्या करें काम, चलो चलें क्या? सही, अभी अर्थ नहीं होने पर अभी अर्थ नहीं मिल के।